नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में शिवसेना के दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन। ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे तो वहीं आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे दशहरा रैली को किया संबोधित। एक दूसरे पर जमकर हमला करते नजर आए उद्धव और शिंदे। मुंबई में शक्ति प्रदर्शन से पहले शिवसेना के दोनों गुटों ने जारी किया था टीजर, जिसको लेकर जमकर हुआ बवाल। शिवसेना के टीजर में एक बाघ को रस्सी से कांग्रेस से बांधकर धोखा देते हुए दिखाया गया। टीजर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक होते हैं प्रकट और रस्सी को तीर से काटकर बाघ को कांग्रेस से कर देते हैं मुक्त। शिवसेना यूबीटी ने भी टीजर जारी करते हुए शिवसेना शिंदे गुट को दिया करारा जवाब। टीजर में महाराष्ट्र की अस्मिता बचाने और गद्दारों को दफनाने का किया गया जिक्र। गद्दार शब्द का इस्तेमाल उन विधायकों के संदर्भ में किया गया जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ की थी बगावत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर अपने संबोधन में कई सामाजिक मुद्दों पर रखे अपने विचार। कहा, भारत को आगे बढ़ाने में रुकावट बन रही है विदेशी शक्तियां। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का किया जिक्र। कहा, इनकी वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ चल रही अफवाहों पर जताई चिंता। कहा, भारत से खतरा बताकर पाकिस्तान से गठजोड़ की जा रही है बात। उन्होंने इसे उन ताकतों का षड्यंत्र बताया जो नहीं चाहती हैं भारत को कभी भी आगे बढ़ने देना। कहा, भारत का विकास कई देशों के स्वार्थों पर करता है चोट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिनेता सयाजीराव शिंदे होंगे स्टार प्रचारक। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया बड़ा ऐलान और अभिनेता के पार्टी में शामिल होने पर जताई खुशी। पुराने जकातनाका कोरार आर्केड के मुख्य द्वार पर स्थित एनसीपी शरद पवार के जनसंपर्क कार्यालय के सामने महिला कार्यकर्ताओं ने किया आंदोलन। सरकार पर लगाया लाडली बहन योजना की आड़ में महंगाई बढ़ाने का आरोप। रामनवमी पर सरकार को बताया त्रिमुखी रावण और किया दहन। पश्चिम रेलवे लाइन की मुंबई लोकल ट्रेनों के लिए आज से नई समय सारणी हुई लागू। यात्रियों का सफर आसान बनाने के लिए पश्चिम रेलवे पर आज से 12 नई लोकल सेवाएं की गई शुरू। अप लाइन पर एक फास्ट ट्रेन विरार से चर्चगेट तक, दो धीमी सेवाएं दहानू रोड से विरार तक और एक एक धीमी सेवा का अंधेरी, गोरेगांव और बोरीवली से चर्चगेट के बीच होगा परिचालन। कर्नार्क रोड ओवरब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए मुंबई की मध्य रेलवे लाइन पर सीएसएमटी से मस्जिद बंदर स्टेशन के बीच 12-13 अक्टूबर और 13-14 अक्टूबर की रात लिया जाएगा मेगा ब्लॉक। इन ब्लॉकों के दौरान खुले वेव गार्डर को किया जाएगा स्थापित। दिवाली और छठ पूजा पर मुंबई से यूपी बिहार जाने वालों का सफर होगा आसान। दरअसल भारतीय रेलवे ने मुंबई बिहार रूट पर यात्रियों के लिए 36 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। एलटीटी और रक्सौल के बीच होगा ट्रेनों का परिचालन। दशहरा के मौके पर मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने बीड़ के नारायणगढ़ में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, आरक्षण मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष, सरकार को पूरी करनी होगी मराठा समुदाय की मांग। दशहरा के मौके पर बीड़ के भक्तिगढ़ में भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने रैली को किया संबोधित। इस दौरान ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके भी रहे मौजूद। दोनों नेताओं ने कहा, ओबीसी समुदाय को न्याय दिलाने के लिए जारी रहेगा संघर्ष। लक्ष्मण हाके ने पंकजा मुंडे को बताया सभी की लाडली बहन। दशहरा के मौके पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जारी किया वीडियो संदेश। महाराष्ट्र की सरकार पर बोला हमला और मतदाताओं से की खास अपील। कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लानी चाहिए क्रांति। महाराष्ट्र को लूटने का हो रहा है प्रयास और लोग जाति और धर्म के भेदभाव में हैं व्यस्त। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर से आई दिल को दहला देने वाली वारदात। यहां एक शख्स ने दिन दहाड़े चाकू से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। दरअसल बच्चों को लेकर चल रहा था विवाद। वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में किया सरेंडर। मुंबई के मलाड में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश। ट्रेडिंग के नाम पर लूट रहे थे गिरोह के सदस्य। पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। हाई रिटर्न का झांसा देकर करते थे ठगी की वारदात को अंजाम।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया मदरसा शिक्षकों का वेतन, इसके बाद शुरू हुई सियासत। उद्धव ठाकरे गुट ने पूछा सवाल, क्या ये नहीं है वोट जिहाद? सरकार ने मौलाना आजाद व्यक्ति विकास फंड को बढ़ाकर 700 करोड़ से 1000 करोड़ किया, वहीं मदरसा टीचरों की सैलरी को 6000 से बढ़ाकर किया 16000। साल 2025 में शुरू हो जाएगा नवी मुंबई में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बीते दिनों एयरपोर्ट पर हुई पहली सफल लैंडिंग, ट्रायल लैंडिंग के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया निरीक्षण। हरियाणा के कैथल में हुआ दर्दनाक हादसा, दरअसल नहर में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई मौत, इलाके में पसरा मातम। गुजरात के मेहसाणा में हुआ दर्दनाक हादसा, एक निर्माणा स्थल पर मिट्टी धंसने से जिंदा दब गए कई मजदूर। हादसे में 5 मजदूरों की हुई मौत। जसलपुर गांव में फैक्ट्री बनाने के लिए कई भूमिगत टैंक खोद रहे थे, तभी धसी मिट्टी और दब गए मजदूर। देश में नहीं थम रहा है रेल हादसों का सिलसिला। तमिलनाडु में खड़ी मालगाड़ी से टकराई दरभंगा मैसूर एक्सप्रेस, हादसे में 19 यात्री हुए घायल। रेल हादसों को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, पूछा सवाल, और कितने परिवार को तबाह करने के बाद जागेगी सरकार? राहुल गांधी ने कहा, दर्जनों हादसों के बाद भी सबक नहीं ले रही है मोदी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला करारा हमला। कहा, नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सल की है पार्टी, लेकिन उनकी पार्टी है आतंकियों की पार्टी और उनके लोग करते हैं लिंचिंग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की तैयारी हुई पूरी। 14 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला, वही 17 अक्टूबर को हरियाणा के नए सीएम बनेंगे नायब सिंह सैनी। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। समूचे देश में मनाया गया दशहरा का पर्व। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी समेत देश के दिग्गजों ने की शस्त्र पूजा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के तौर पर किया गया रावण दहन। 9 दिनों की पूजा और आरती के बाद माता रानी का हुआ विसर्जन। मुश्किलों में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य विक्रम सिंह, सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। दरअसल एक वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें पीते हुए पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए दिख रहे हैं आदित्य विक्रमा सिंह। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मौजूदा तनाव के बीच ईरान के न्यूक्लियर साइट समेत कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ हुआ साइबर अटैक, जिसके चलते ईरान सरकार की लगभग सभी सेवाएं हुई बाधित। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले की दिशा में माना जा रहा है यह कदम। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमले से होने वाली अनहोनी की आशंका से सहमी दुनिया। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें In24 News। In24 News को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।